नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। 7 सदस्यों का कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी बात यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज ही सरकार से इस मामले पर चर्चा करेंगे। हमने गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीड़ित परिवार सिर्फ न्याय चाहते हैं, वो लोग सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो राहुल गांधी की यह बड़ी बातें। वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। जो अपराधी के पिता हैं उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूं कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है। और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए। और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने मांग की है कि दोषी के पिता को बर्खास्त करना चाहिए, यानी कि अजय मिश्रा को उनके पद से हटा देना चाहिए। और यही उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। और अधिक जानकारी के लिए ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। ममता, दोनों ही नेताओं का यही कहना कि आरोपी के पिता की बर्खास्तगी होनी चाहिए और फिलहाल उन्हें राष्ट्रपति से भी आश्वासन मिला है, आज सरकार से बातचीत करने की बात कही गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी मिल पा रही है? डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और मुलाकात करने के साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से ये गुहार लगाई है कि लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि क्योंकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसके पिता गृह राज्य मंत्री है, ऐसे में जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक मुमकिन नहीं है कि इंसाफ मिले।
और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो या फिर सरकार उनको बर्खास्त करे। लगातार ये मांग भी किया और एक ज्ञापन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सौंपी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। और राहुल गांधी के साथ की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी, ए के एंटोनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम वो लोग थे जो राहुल गांधी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा और मांग किया है कि इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति दखल दें। और लगातार जो विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह राज्य मंत्री के होते हुए मुमकिन नहीं है कि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके, लिहाजा बर्खास्तगी को लेकर केंद्र सरकार से राष्ट्रपति मांग करें। हालांकि जब राहुल गांधी से पूछा गया कि जब आपकी राष्ट्रपति से बातचीत हुई तो क्या आश्वासन मिला, तो उन्होंने कहा कि हाँ, राष्ट्रपति ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कोमल कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से घटनास्थल पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंचते हैं, इसको लेकर बीजेपी भी तंज कस रही है कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो सियासत कर रहे हैं। हालांकि सवाल यही है कि जहां एक ओर किसानों को यूपी सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया गया है और इसके अलावा मामले में जो आरोपी जिसकी लगातार ये मांग की जा रही थी गिरफ्तारी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, मामले की जाँच हो रही है और फिलहाल मुख्य आरोपी जिसकी बात हो रही आशीष मिश्रा वो पुलिस रिमांड में है। तो ऐसे में यूपी सरकार का ये कहना है कि जो भी मुमकिन कार्रवाई है और जो जरूरी कार्रवाई है वो हो रही है और लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच होगी, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत हावी हो गया है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्षी दल इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते और यही वजह है कि तमाम जितने भी सियासी दल हैं कांग्रेस पार्टी समेत लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सियासत तो साफ नजर ही आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, त्रिस्तरीय जांच भी की जा रही है और अभी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी जो हर पल एक नई सियासत की परत खुल रही है वो देखने में साफ ही आ रहा है कि किस तरह से मिशन 2022 को लेकर आगे चल रही है हर पार्टी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि अब अंकित दास ने भी सरेंडर कर दिया है और उसके बाद अब लगातार पूछताछ जा रही है, इस बीच अगर हम अजय मिश्र की कोई बात करें, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, जहां तक अजय मिश्रा का सवाल है प्रतिक्रिया की, तो वो पहले ही अपनी राय जाहिर कर चुके हैं देश के सामने और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर यूपी सरकार की जो जांच एजेंसी है उस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में वो लगातार अपने बेटे को लेकर सफाई देते रहे और कहते रहे कि इस पूरे मामले में उनका बेटा शामिल नहीं है। हालांकि जब वो दिल्ली आए, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मीडिया के सामने नहीं आए हैं। लेकिन जहां तक उनकी प्रतिक्रिया का सवाल है, जाहिर सी बात है उनको अपने बेटे के लिए सिंपैथी तो होगी, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में जो कोई भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में जिस किसानों की तरफ से मुख्य आरोपी उनके बेटे को ही करार दिया जा रहा है, तो ऐसे में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर किसी तरह की कोई कसर भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार नहीं छोड़ेगी। जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, कानूनी लड़ाई यूपी सरकार भी लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार विपक्ष कर रहा था और वीडियो में जो भी आरोपी दिखे थे इस पूरे मामले में शामिल, उनकी लगातारियां हो रही हैं। ऐसे में विपक्ष को सवाल नहीं खड़े करना चाहिए बल्कि इंतजार करना चाहिए कि कार्रवाई पूरी होने का कि नहीं, बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर सियासत, जाहिर सी बात है कार्रवाई जब पूरी होगी तभी कुछ पता चल पाएगा। इस बीच चाहे कितने ही सवाल खड़े कर लिए जाए, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं पता चल सकता। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।